बहना आई जब सत्ता में, सब जन हुए खुशियार। बहना आई जब सत्ता में, सब जन हुए खुशियार। हम सब मिलकर आस लगाएं ले दिल्ली का राज। बहन जब दिल्ली जाएगी तभी तो सम्मान बढ़ाएगी। बहन जब दिल्ली जाएगी तभी तो सम्मान बढ़ाएगी। नमस्ते, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं दी नेशनल न्यूज़ इंडिया। चुनाव का माहौल है और गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में अगर थोड़ा सा चुनावी माहौल में अगर थोड़ा तड़का लग जाए तो मज़ा ही आ जाए। तड़का किस टाइप का? गानों के माध्यम से तड़का। और आपने पहले देखा ही होगा अजय कुमार जी को, जो लगातार हमारे चैनल पर आते जा रहे हैं, गाने गाते जा रहे हैं और लोगों को एक नई दिशा देते जा रहे हैं। तो आज चुनावी माहौल में वो दाल में यानी तड़का लगाने वाले हैं, चुनाव में तड़का लगाएंगे अपने गानों के माध्यम से। क्या गाना है वो तो मुझे नहीं पता, वो तो हम इन्हीं से पूछेंगे। तो सुनते हैं इनके मुंह से ये गाना, क्या गाना है सुनाइए। बहना आई जब सत्ता में, सब जन हुए खुशियार। बहना आई जब सत्ता में, सब जन हुए खुशियार। हम सब मिलकर आस लगाएं ले दिल्ली का राज। बहन जब दिल्ली जाएगी तभी तो सम्मान बढ़ाएगी। बहन जब दिल्ली जाएगी तभी तो सम्मान बढ़ाएगी। बहना आई जब सत्ता में, सब जन हुए खुशियार। हम सब मिलकर आश लगाएं ले दिल्ली का राज। बहन जब दिल्ली जाएगी तभी तो सम्मान बढ़ाएगी। बहन जब दिल्ली जाएगी तभी तो सम्मान बढ़ाएगी। अरे बाबा साहब और काशीराम का सपना पड़ा अधूरा। बाबा साहब और काशीराम का सपना पड़ा अधूरा। बहना ने यूपी में आकर कर डाला है पूरा। बहना ने यूपी में आकर कर डाला है पूरा। आओ सब मिलकर हाथ बढ़ाएं ले दिल्ली का राज। बहन जब दिल्ली जाएगी तभी तो सम्मान बढ़ाएगी। बहन जब दिल्ली जाएगी तभी तो सम्मान बढ़ाएगी। बहना आई जब सत्ता में, सब जन हुए खुशियार। हम सब मिलकर आश लगाएं ले दिल्ली का राज। बहन जब दिल्ली जाएगी तभी तो सम्मान बढ़ाएगी। बहन जब दिल्ली जाएगी तभी तो सम्मान बढ़ाएगी। बहन जब दिल्ली जाएगी तभी तो सम्मान बढ़ाएगी। कहाँ से सीखते हैं आप ऐसे ऐसे गाने? कहाँ से सीखते हैं ऐसे गाने? हाँ, ये तो बैठ करके बनाते हैं, जैसा माहौल होता है उसी हिसाब से गीत भी बनाया जाता है। तो ये शब्द कहाँ से लाते हैं, मतलब जो दिल को छू जाते हैं शब्द, जिस तक आते हैं लोग सुनते रह जाते हैं? मतलब मैं भी सुन रहा था तो ऐसा लगा जैसे सुनते ही रहूँ आगे। ये गीत बनाने में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है, मगर इधर उधर से खोज करने के बाद ये गीत सेट किया जाता है, तब कहीं बन करके तैयार होता है। आप ये समझ ही रहे हैं, जा करें इसको 2 घंटे लगे बनाने में। तो इतने मनमोहक शब्द मतलब कहाँ से ढूंढ ढूंढ लाते हैं? मतलब मैं तो ढूंढ नहीं पाता, कभी ढूंढता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है। आप कैसे बनाए थे 2 घंटे के अंदर इतने मनमोहक शब्द? नहीं पवन जी, हम यही काम करते रहते हैं, खाली बैठे तो हम यही देखते रहते हैं गीत कहाँ से कैसे कहाँ शब्द यूज किया जाए और अच्छा गीत बने, लोग पसंद करें जब ही अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि गाना सुनता हूँ तो मतलब मैं दो लाइनें थी लेकिन 2 लाइनों में पूरा मतलब आपने बयां कर दिया है ना, लेकिन ये कब से कर रहे हैं आप ये गाने, कब से लिख रहे हैं ये गाना? हम जब जो है मुझे शौक हुआ है ये 2001 से,
तो मैंने भी देखा एक समाज के लिए कुछ करूं, मगर कुछ ऐसे हालात थे जो परिवार अच्छे तरीके से नहीं चलता था और मेरे पास साधन नहीं थे। आज आप जानते ही सारे साधन हो गए हैं, कैमरा भी है, हारमोनियम भी है और सारे संगीत के सामान हैं, अब किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अच्छा, पैसे से तो आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को नई उम्मीद देते हैं, लेकिन मतलब गाने में आप कब से कूद पड़े, मतलब कैसे आए इसमें? जी ये तो मुझे बड़ा शौक था, कब मैं बड़ा शरारती किस्म का था। जब मुझे ज्ञान नहीं हुआ तो पवन जी एक बार मैं बाजार में गया तो वहाँ पर कैसेट चला करते थे, कैसेट तो कैसेट लाए, उसने 57 डाकू कैसेट दी और मैंने जो है बजाई, मुझे अच्छी ना लगी। इसके बाद क्या हुआ, वापस जब करने गए तो वो दुकानदार बोला भाई वापस तो नहीं होगी, पैसे वापस नहीं होंगे, मगर इसके बदले में तुम्हें और कैसेट दे देते हैं। तो मैं स्वामी आधार चैतन सुना होगा जो कथा, हाँ लोक कथाएँ जो सुनाते हैं, तो उन्होंने उनके आवाज़ में उसने कैसेट मुझे दी राजा मोरध्वज की। जब राजा मोरध्वज की दी तो मैं सुनते सुनते 3 दिन हो गए तो मुझे एक शब्द बह गया, कहो तो मैं सुना दूँ। बिल्कुल सुनाइए। जब राजा मोरध्वज का बेटा जो है, राजा मोरध्वज का बेटा जब काट करके कत्ल करके शेर को खिला दिया तो स्वामी आधार चैतन्य की आवाज़ में जो हमारे दिल छू गया, उसी दिन से हमारी जो है मन में ऐसी जिज्ञासा बढ़ी कि मैं भी गायक बनूं। और वो शब्द क्या था, क्या थे, लाश पड़ी हुई आंगन में और जो राजा मोरध्वज का बेटा आधा जो लाश जो थी सिंह खा गया और आधी आंगन में पड़ी हुई है और उनकी माता जो थी खाना बना रही हैं, उनने कहा जाओ महात्मा को बुला लाओ जाके, कृष्ण भगवान उनको जो है क्या बोलते हैं अर्जुन को, और डगमगाता हुआ जो है राजा मोरध्वज जाता है और ये कहता, ये हमारे दिल सबसे पहले हमारे दिल में छू गया। तो क्या कहता है, चलो महात्मा आंगन में अब भोजन चल के पियो, ये पागल आधार को दर्शन दे के सफल बनियो, ये पागल आधार को दर्शन दे के सफल बनियो। ये दो शब्द हमें भाग गए और वहीं पर बेटे की लाश पड़ी, वहाँ अर्जुन भी खा रहे हैं खाना और कृष्ण भगवान भी खा रहे हैं और उन्होंने राजा मोरध्वज को भी बेबस कर दिया खाने के लिए, जिसकी बेटे की लाश पड़ी हो और वो बाप खाना खा रहा है। वहाँ से मेरे ऐसा ज्ञान हुआ, अब तो मैं जितना शरारती था उतना ही मैं इतना अच्छा हो गया हूँ, कोई अगर कोई हमसे 10 गालियाँ भी दे दे फिर भी हम बर्दाश्त कर लेता हूँ। अच्छा, आपसे बातचीत के दौरान आपने काफ़ी सारी बातें बताई थी मुझे पहले। जी आपने बताया था कि जब आप शिक्षक नहीं थे उससे पहले काफ़ी आपकी गंभीर स्थिति थी, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जी तो उस पड़ाव में आपने कैसे, मतलब इतना आपने इसको ग्रो करा, आपने कैसे आप इसमें आगे बढ़े और परिवार को भी साथ में आप लेकर चले, तो कैसे कैसे आपने जो मुसीबतें? पवन जी सबसे पहले देखो इसमें हाथ होता है अपनी पत्नी का, पत्नी चाहे घर उठा दे और चाहे बिगाड़ दे, तो हमारी पत्नी ने बहुत हमारे साथ दिया। मैंने पैसे जोड़ जोड़ करके 1700 रुपये किए और दिल्ली के चांदनी चौक में घूमा, मैं पत्नी भी साथ में थी और वहाँ से एक हारमोनियम लाए। अच्छा, किस समय की बात होगी ये? ये लगभग 2002 की बात है। ये हारमोनियम लाए और गुरु तुम्हारे ऐसे ही थे, मैं क्या बताऊँ आपको, गुरु शायद हमारे, तो हम धीरे 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 प्रैक्टिस मैंने बहुत की, इतनी प्रैक्टिस की है और साथ में हमारा पत्नी का साथ रहा, उन्होंने कभी हमें नहीं टोका। कहते संगीत और स्त्री में बहुत ही बैर होता है, मगर नहीं, मैंने तो सोच रहा था बैर होता है, मगर नहीं, ऐसा तो इसका उल्टा हो गया, पत्नी ने बहुत साथ दिया और आज हम जो है यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, क्या नाम है पत्नी का आपके? पत्नी का नाम है मीना देवी, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है सोशोलॉजी से और सरकारी सेवा में भी है। अच्छा, वो क्या करती हैं, मतलब वो भी शिक्षक हैं? हाँ, वो भी सरकारी सेवा में हैं, हमारे साथ हैं, उनका बहुत साथ रहा। अब तो पवन जी, अब तो किसी प्रकार की कमी नहीं है, साधन भी हैं, पैसा भी है,
और अगर हम संगीत का सामान अगर लेना चाहें तो हम ले भी आते हैं। अच्छा काफी, अब तो काफी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे इस टाइम से बता रहे हैं आपकी पति पत्नी के साथ। आज के माहौल में देखें तो आप किस तरह लड़ाइयाँ होती हैं, लड़कियाँ इस टाइम मिल नहीं पाती हैं, तो मतलब कैसे कर रहे हैं, कैसा चल रहा है आपका, मतलब लड़ाई वड़ाई इतनी होती है बिल्कुल यहाँ पर हमारी कभी जीवन में? जब से हमारी शादी हुई है हमने पति पत्नी ने कभी झगड़ा नहीं किया कभी भी, और ना होता है। और मैं यही सिखाता रहता हूँ पति पत्नी में जहाँ प्यार होता है वो स्वर्ग का द्वार होता है, और जब पति पत्नी में झगड़ा रहता है वो नरक का द्वार होता है, ये तो निश्चित है। इसलिए मैं कभी झगड़ता नहीं हूँ, और हमारे दो बच्चे भी हैं वो भी बहुत संस्कारी हैं, वो भी झगड़ते नहीं हैं, अभी तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैं चारों तरफ से बड़ा शांति में रहता हूँ, सुख भी है और सारे साधन भी हैं, अब किसी प्रकार की चिंता नहीं है। अच्छा एक आखिरी सवाल करूँगा आपसे जी, आगे जब जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, बच्चों के लिए या फिर अपने लिए, आगे क्या मतलब सोचा आपने? ना मैं तो ये कहता हूँ, ये हम बच्चों से भी कहते हैं, बेटे हमारे संगीत का काम मत रोकना। तो हम आपको क्या क्या उम्मीद है आपको बच्चों से अपने? बच्चों से हमें बहुत उम्मीद है, एक बच्चा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक सरकारी सेवा में अभी फिलहाल में जाने वाले हैं, उनका नियुक्ति पत्र आने वाला है, और एक मीडिया में है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं बच्चों को टोकता नहीं हूँ क्योंकि हमें अपने बच्चों पर बहुत विश्वास है, कहाँ जाते हैं हम जानते हैं, वो हमें विश्वास है एक अच्छा काम करते हैं, मैं कभी टोकता नहीं हूँ उनको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे अजय कुमार जी, जो जिनसे हमने जानने की कोशिश की किस तरह से, और जो गाने जो हैं आपको पता ही है कितने प्यारे प्यारे गाने गाते हैं, मनमोहक गाने गाते हैं, कितने पता नहीं कहाँ कहाँ सब ढूंढ के लाते हैं। मुझे ढूंढने में तो शब्द खैर मुझे टाइम लग जाता है, खास करके मेरा तो काम है सब ढूंढो शब्दों को ढूंढने का, लेकिन फिर भी मैं ढूंढ नहीं पाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आगे जैसे धीरे समय बदलेगा वैसे वैसे हम लोग उसमें आगे अपने आप को ग्रो करेंगे। लेकिन इसके बाद भी आपने शायद, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, और अजय कुमार जी से मिलकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद है इनके और भी गाने तो हमें बताइए कमेंट करके, हम आपको इनके और भी गाने आपको लाते रहेंगे, और हर संडे को इनका गाना लेकर के आएंगे हम आपके सामने। अगर आपको पसंद है तो आप कमेंट करके हमें यहीं पर ही बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।